नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो चुका है दंगल का। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों की छापेमारी कल खत्म हुई और आज कन्नौज के दूसरे इत्र कारोबारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू हो गई। इसमें सबसे बड़ा नाम है पुष्पराज उर्फ पंपी का, जिस पिछले महीने समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाली पंपी जैन समाजवादी पार्टी के MLC हैं और यही वजह है कि इस छापेमारी के बाद यूपी की सियासत में वार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी इन छापों को बीजेपी का चुनावी हथियार बता रही है, तो बीजेपी इसे अखिलेश राज में हुआ काला कारोबार बता रही है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें, ये वो जगह जहां पर छापेमारी चल रही है, जहां देखिए पुष्पराज जैन उनके घर पर, उनके दफ्तर पर जो कि कन्नौज में है, वहां छापेमारी हुई। बताया गया कि एक ठिकाना इनका मुंबई में भी है, तो टीम पहुंची मुंबई भी, वहां पर भी छापेमारी हुई। वहीं कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ये अलग अलग जगहों में जहां छापेमारी हुई, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और इसके कनेक्शन कहां से कहां तक हो सकते हैं, अब पड़ताल इस बात की। तो अब सियासी बयानबाजियों का दौर भी देखिए शुरू हो चुका है और यह कहा जा रहा है कि क्या चुनाव आते ही छापेमारी का दौर शुरू हो जाना किसी और इशारा कर रहा है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। उसी पर हम करेंगे चर्चा, कुछ खास मेहमान होंगे, तारुफ आपका कराऊंगी, लेकिन छापे जारी हैं और सियासत इस पर भारी है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्पराज जैन का यह घर छापेमारी हुई, याकूब मलिक, वो भी इत्र कारोबारी बड़े बताए जा रहे हैं, उनके घर पर भी छापेमारी हुई। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल, समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे। इत्र की खुशबू उड़ती है तो फिजा महक उठती है, लेकिन यूपी की चुनावी फिजा में कुछ ऐसा इत्र घुला कि नफरत से लेकर साजिश के आरोपों की दुर्गंध फैल गई। भ्रष्टाचार के इत्र वाली जांच कानपुर से बढ़ती हुई कन्नौज पहुंच गई। समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन के घर और ठिकानों तक पहुंच गई। इत्र की आड़ में काली कमाई पर सियासत पहले ही जारी थी, लेकिन इस छापेमारी में अब समाजवादी की MLC की बारी थी। पार्टी नेता तक जांच की आंच आई तो अखिलेश यादव ने फिर से आवाज उठाई, छापेमारी को साजिश बताया, पूरी कोशिश को यूपी में बीजेपी की हार के डर का नतीजा। चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के ऊपर छापा पड़वा रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नाम पर अपने लीडर्स को कह रहे हैं कि उनका नाम लीजिए, उनको बदनाम कीजिए। ये सोची समझी साजिश और षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ समाजवादी लोग खड़े हुए हैं। आयकर विभाग की छापेमारी को अखिलेश यादव बीजेपी का चुनावी हथियार बता रहे हैं। आयकर विभाग की नई रेट को पीयूष जैन के यहाँ पड़े छापों की गलती का सुधार बता रहे हैं। अपनी खीस मिटाने के लिए दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी बदनामी बचाने के लिए जानबूझ करके फिर छापा मारा है और ये छापा इसलिए पड़ा है क्योंकि एक तो वो अपनी बदनामी बचाना चाहते हैं, जो गलत जगह पुलिस पहुंच गई, IT डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया, दूसरा समाजवादी पार्टी कैसे बदनाम हो, और तीसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, ये इस तरह के काम लगातार होंगे। समाजवादी पार्टी सवाल इन छापों की टाइमिंग पर भी उठा रही है, बीजेपी और छापेमारी में शामिल एजेंसियों की साठगांठ का आरोप लगा रही है। ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उनपे भी छापा पड़ जाए।